अब यहां पर हम आपको दोनों सांसदों के कार्यकाल और उनके तमाम उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कुछ बारीकियां, जिसे हम कहते हैं ना मिस्टर एनालाइजर की स्पेशल बारीकियां। सबसे पहले क्यों महत्वपूर्ण है ये कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को यह एहसास दिलाए कि स्पीकर के पद के लिए कॉन्टेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर के पद पर रहने वाला आसीन व्यक्ति दरअसल न्यूट्रल भूमिका में संसद में होता है, लोकसभा में, और स्पीकर के ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों में लोकसभा के पूरे जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि वो सदन को किस तरीके से चलाता है। पूरे सदन की संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर के ऊपर। वोटिंग की परिस्थिति में स्पीकर का वोट अगर टाई की परिस्थिति हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष हमेशा इस बात पर जोर देती है कि स्पीकर उनका होना चाहिए। इसके साथ साथ वोटिंग को करवाने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। प्रश्नकाल के दौरान कौन से सवाल पूछे जाएंगे, किस सवाल पर क्या जवाब दिया जाएगा और सवाल का संचालन कैसे करना है, यह भी स्पीकर करता है। इसके साथ साथ विधेयक पर संशोधन की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, स्पीकर की जिम्मेदारी है। कार्यवाही पर अगर टिप्पणी होनी है, कौन सांसद, विपक्ष का कौन नेता, सत्ता पक्ष का कौन नेता अपनी टिप्पणी करेगा, स्पीकर की जिम्मेदारी है। संसद की कार्यवाही का एजेंडा तय करना है, संसद की कार्यवाही किसके अधिकार पर चलेगी, स्पीकर के आधार। बहस का विषय क्या होगा, किस सत्ता दल को, किस विपक्ष को कितना वक्त मिलेगा, यह तय करने का अधिकार स्पीकर के पास है, प्रोटोकॉल मंजूर है। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करना या उसे रिजेक्ट करना किसके पास है अधिकार, स्पीकर के पास। इसके साथ साथ एक और अधिकार है स्पीकर के पास जो कि देश की सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। अगर किसी पार्टी में टूट होती है, उस पार्टी में टूटे हुए धड़क में क्या असली प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इसका निर्धारण कौन करता है, यह निर्धारण स्पीकर करता है।